नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन इज इन द फॉलोइंग डिजिटल सर्किट व्हाट विल बी द आउटपुट जेड व्हेन द इनपुट ए बी आर वन जीरो 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 वन वन और जीरो वन ना यहाँ पे इसको रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं uh, इस तरीके के सवाल सॉल्व करने के लिए कैसे करते हैं मैं आपको पूरा तरीका सिखाता हूँ सो लेट्स ये आपका ए है ये बी है सिग्नल तो यहाँ पर जो आपका सिग्नल आया वो ए है दिस इज बी और यहाँ पे ये यह गया आपका ए एंड दिस इज़ बी राइट इस जगह पे लेट्स कॉल दिस प्यू आ, लेट्स कॉल दिस पी और इसको हम क्यू नाम दे रहे थे सो तो यहाँ पे जो इधर सिग्नल आया है पी है यहाँ पे आपका क्यू है यही इधर जा रहा है पी लेट्स से ये आया आपका आर राइट और ये जेड आएगा ना इस जेड को अगर आप देखेंगे तो ये जेड जो हुआ देट विल बी इक्वल टू पी प्लस आर का बार ये आपका बना नाउ आर इज इक्वल टू पी प्लस, प्लस क्यू सो तो इसको आप लिख सकते हैं जेड विल बी इक्वल टू ये आएगा पी प्लस ये आ जाएगा आर को सॉरी दिस विल बी पी क्यू बार ठीक है सो आर इज आपका पी क्यू तो इस केस में ये जो बना पी क्यू इसको आप लिख सकते हैं पी वन प्लस क्यू बार ऑलाइट ना वन प्लस क्यू जो है ये बात हमें पता है कि वन प्लस क्यू विल ऑलवेज भी वन सो विच एम्प्लाइज आपका z है वो हो गया आपका p बार सो so, ये जो p है तो z जो आएगा वो p का उल्टा होएगा जो भी p आउटपुट है उसका अपोजिट साइन p बार आएगा आपका z ना p बार को p को आप यहाँ पे इसकी वजह से आप लिख सकते हैं सो विच एम्प्लाईज z विल बी इक्वल टू ए बी पी uh, को हम यहाँ पे जो है वो आ रहा है उसको लिख सकते हैं बार और एक ऊपर बार है तो ये डबल बार हो गया ठीक है सो इसका मतलब विच एम्प्लाई जेड विल बी इक्वल टू ए बी ना अभी बड़ा ही सिंपल सा हो गया अगर इसके हम टूट टेबल बनाने लगेंगे मैं आपको टूट टेबल भी बना के दिखा देता हूँ सो लेट्स ये आपका ए है ये बी है और ये जेड है राइट right? और अच्छा वही डेटा ले लेते ले हैं जो हमें यहाँ दिया हुआ है सो दिस इज़ वन ज़ीरो Uh, उसके बाद ज़ीरो ज़ीरो वन 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 उसके बाद ज़ीरो वन हालाइट सो अगर uh, इसको देखेंगे तो वन जीरो अगर है तो वन ज़ीरो अपना जो आउटपुट आएगा दैट विल बी इक्वल टू जीरो 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 पे भी ज़ीरो वन वन आउटपुट वन आएगा और ये आपका ज़ीरो वन पे आउटपुट आपका जीरो हो जाएगा सो so ये टिपिकल आपका एंड uh, गेट की परफॉर्मेंस हो गई सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि आपका ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो जीरो सो ऑप्शन नंबर थ्री वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम तो ये आपका एंड गेट परफॉर्म कर रहा है